मैं हूँ सीमा खन्ना और आप कुछ कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ और अभी काफ़ी ठीक है हाथ भी मेरा। और मैं आ गई हूँ भिलाई, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था तो मैं भिलाई पहुँच गई हूँ। और अंकित जी कल चले गए हमें छोड़कर, क्योंकि उनको टूर पे निकलना था तो वो हमें छोड़कर चले गए हैं। अब लेने आएंगे जैसे ही उनका टूर ओवर होगा तो। और भिलाई आने के बाद आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दो दिन मैंने रेस्ट किया, आराम से खूब मज़े किए, तो अब मैं बोली चलो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम तैयार हैं और हम जाएंगे मम्मी की फ्रेंड के पोती का बर्थडे पार्टी है, तो पीहू मैं मम्मी तीनों ही जाएंगे। और यहाँ हो रही है बहुत तेज़ बारिश, तो हम इसलिए तैयार होकर रेडी होकर बैठे हुए हैं। जैसे ही बारिश कम होगा तो हम जाएंगे, यहीं वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है तो हम पैदल ही जाएंगे। और यहाँ मैं आ रही हूँ तो अभी मैं अपना मायके एंजॉय कर रही हूँ। मम्मी के यहाँ फुल रेस्ट, कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्या बनाना है क्या करना है। वहाँ पे थी तो वो भी मुझे करना पड़ता था अंकित जी के साथ हेल्प को, तो वो सारा चीज़ जो है अब मुझे नहीं करना पड़ रहा है, मैं उस चीज़ से फ्री हो गई हूँ। तो अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ, आराम से बैठी हूँ और पीहू भी इंजॉय कर रही है। नानी के घर पहुँच गई है तो डिमांड है मामा से कि इवनिंग में आते टाइम ये लाओ वो लाओ, ये खाना है वो खाना है, तो सारा वो चीज़ चल रहा है, पूरा मज़े में है। और देखते हैं आगे भी मैं आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करते रहूँगी। पीहू को देखिए, आप ये देख सकते हो, ये देखो वेट कर रही है और रो रही है कि अभी इतना लेट कैसे हो रहा है। तो हम रेडी होकर बस बैठे हुए हैं, जल्दी बारिश रुकेगा हम जाएंगे। तो गाइस मैं वहाँ का जितना अगर थोड़ा बहुत जितना होगा मुझसे कैप्चर करूँगी वहाँ पे मैं, और दिखाऊँगी मम्मी के फ्रेंड्स को, और वहाँ जो छोटा मोटा गेट टुगेदर हो रहा है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ जल्दी मैं वहाँ पहुँच कर। तो गाइस हम आ गए हैं, पूजा चल रहा है यहाँ पे और काफ़ी अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत दिनों बाद में ऐसा मौका मिला कि मैं ऐसा कुछ फंक्शन हो जिसमें मैं अटेंड कर पाई हूँ। हमारे कॉलेज भी वहाँ होता है आगरा में, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी मंदिर है, घर के सामने ही है मंदिर, वहाँ भी ऐसा होता रहता है। बट क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं इस तरीके से टाइम स्पेंड कर पाऊँ। बट अभी मैं फ्री थी, मम्मी के फ्रेंड्स सब काफ़ी बोले घर के, हाँ लेके आना सीमा को लेके आना, तो मैं मम्मी के साथ गई और पीहू भी इंजॉय की, खूब इंजॉय की, उसे भी खूब मज़ा आया। देखिए मम्मी के साथ ये इंस्ट्रूमेंट का नाम तो नहीं पता मुझे, बट है ना पीहू इसको खूब पूरा, जब तक पूजा वूजा चल रहा था ये चल रहा था, भजन चल रहा था, खूब बजा रही थी मम्मी के साथ और खूब डांस की। मैं वो डांस का सॉरी वीडियो नहीं कैप्चर कर पाई, आपको दिखा नहीं पाई, बट खूब डांस की पीहू, गाने में बहुत इंजॉय की है। और देखिए बर्थडे है, यहाँ पे केक कटिंग का काम शुरू हो रहा है, यहाँ पे बच्ची आ गई है तो बस केक कटने वाला है। पीहू तो तंग नहीं की, नहीं तो हर बार छोटी थी ना बर्थडे किसी का होता था ना तो खूब तंग करती थी कि मेरे को भी केक काटना है, सब इसको गिफ्ट दे रहे हैं मुझे भी गिफ्ट चाहिए। बट इसने कुछ ऐसा नहीं किया, हम इसको पहले ही बोल के गए थे कि छोटी बेबी है, बर्थडे है, आप उसको गिफ्ट दोगे, समझा के गए थे। तो इस बार बहुत अच्छे से उसने बिहेव किया, बिल्कुल भी तंग नहीं की। और उसने भी मतलब हम उसके लिए लेके गए थे चॉकलेट वगैरह लेके गए थे, पीयू अपने हाथ से दी वो उसको चॉकलेट वगैरह, और काफ़ी इंजॉय की, तो बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए केक कटिंग हो रहा है और पीहू बैठी हुई थी, अब वो देखिए बोली मेरा भी फ़ोटो लो, तो वो उठ कर गई है वहाँ और काफ़ी इंजॉय की। सो गाइस अब हम घर आ चुके हैं, और जब हम घर आए तो मेरे कज़न है वो दोनों आ गए थे पीहू से मिलने के लिए। तो पीहू अपने मामा और मौसी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई थी और खूब खेली है, काफ़ी अच्छा है इनके साथ शुरू से, इनका पीहू का और इनका काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग है। जब भी पीहू आती है तो इनके साथ बहुत अच्छे से खेलती है, स्पेशली जो मौसी है, निक्की नाम है मेरी कज़न का, तो अपनी निक्की मौसी के साथ बहुत ही अच्छा इसका बॉन्डिंग है। और सौरभ मामा ये जो है मामा है, सौरभ मामा इसके साथ भी बहुत अच्छे से खेलती है, और वही थोड़ा सा मैंने कैप्चर करी हूँ ये वीडियो थोड़ा सा कि कैसे ये उनके साथ इंजॉय कर रही है, आप देख सकते हो।
हे गाइस, हम आ चुके हैं। हमें आए हुए 1 घंटा से ऊपर हो गया। हम 7:30, हाँ 7:30 बजे आ गए थे। उसके बाद मेरे कज़न भी आ गए, मौसी के बेटे और बेटी है जो, दोनों आए थे पीहू से मिलने के लिए। तो पीहू फुल फॉर्म में आ गई दोनों को देखकर, क्योंकि जो मेरे कज़न है निक्की एंड सौरभ जो है, वो पीहू के साथ तो खेलने में सबसे मस्त है। पीहू उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, इतना मेरे भाई के साथ उतना ज़्यादा नहीं हो पाती है। उनके साथ इतना बढ़िया खेलती है ना, आप क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आता है उसको। तो को उनके साथ खूब मस्ती की, आप जैसे क्लिप में देखे भी होंगे। तो और वहाँ, यहाँ मौसी मामा के साथ मस्ती की, और वहाँ हम गए थे जहाँ बच्ची का बर्थडे पार्टी था, वहाँ भी खूब इंजॉय की। उसे बहुत अच्छा लगा, खूब भजन वगैरह चल रहा था, खूब उसमें जो बजाते हैं भजन का क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है वो नाम मुझे नहीं पता, बट वो खूब बजा रही थी, कर रही थी, खूब इंजॉय की, खूब डांस भी की है, भजन में ही डांस कर रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे सारा, उसको बहुत ही एक्टिवली मतलब वहाँ पे वो कर रही थी सबके साथ, और बात भी सबके साथ की, सब कुछ। ऐसा नहीं कि हम कई बार ऐसा होता है कि वो ना बात नहीं करती, लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होती है, बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ। मैं काफ़ी वो सोच रही थी कि वो किस टाइप का रिएक्ट करेगी, बट टचवुड वो काफ़ी अच्छा है, सबके साथ मिक्सअप हो गई, काफ़ी इंजॉय की, और हम भी उसके साथ मतलब काफ़ी इंजॉय कर पाए, क्योंकि वो हमें तंग नहीं करी कि घर जाना है कुछ करना है। तो उसके कारण हमें भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया, और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर हम आ रहे हैं। तो मैं सोची अब अपने ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, काफ़ी थक भी गए हम, और पीहू भी काफ़ी थक गई, वहाँ भी खेली, यहाँ मौसी मामा के साथ भी खेली। तो पीहू भी इंजॉय कर रही है नानी का घर। तो जल्दी ही मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करिएगा, शेयर का तो नहीं बोलती बट लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल में आप न्यू है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाते रहेंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, काफ़ी टाइम भी हो गया है और हम थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। और गुड नाइट, टेक केयर, जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।